यूपी की योगी सरकार शपथ लेने के साथ ही एक्शन में नजर आने लगी है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर इलाहाबाद में 2 स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया गया। नगर निगम की टीम ने पुलिस को साथ लेकर शहर के अटाला और नैनी इलाके के स्लॉटर हाउसों को बंद कराकर वहां पर ताला जड़ दिया। हालांकि सरकारी अमला इस कार्रवाई के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का हवाला दे रहा है। ये स्लॉटर हाउस के लिए मई में ही हमारे इलाहाबाद में प्रदूषण बोर्ड के बंदी आदेश आए थे 17 मई को, जिस आदेश के क्रम में हम लोगों ने इलाहाबाद में ये स्लॉटर हाउस, अटाला स्लॉटर हाउस भैंस का और बकरे का ईदगाह पे है, दोनों को बंद कर दिया था और ये तब से ही बंद चल रहे हैं। बीजेपी के स्लॉटर हाउस के बंद करने के दावों को कांग्रेस जनता के साथ धोखा बता रही है। बिल्कुल सही है कि 12 बजे के पहले इनके अमित शाह जी ने कहा था कि सारे स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे और कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। ये लोग कह रहे हैं 2 इलाहाबाद में हमने बंद कराया, जबकि वो मई महीने से ही 2 बंद चल रहे हैं ऑलरेडी। और इनकी कथनी करनी में हम लोग 2014 से ही देख रहे हैं, जितने वादे इन्होंने किए, जिस तरह की सारी चीज किए, कहीं पूरा नहीं किए। जहाँ विरोधी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता पहली कैबिनेट की बैठक में ही अपने दावे को पूरा करने वाला फैसला करने के लिए खुद को शाबाशी दे रहे हैं। ये वादा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किया था, हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और आप देखेंगे कैबिनेट की पहली बैठक हो जाए। कल तो अनौपचारिक बैठक थी, कैबिनेट की पहली बैठक के साथ साथ खाली स्लॉटर हाउस ही नहीं, किसानों के लघु और सीमांत किसानों के कर्जा माफी सहित जितनी भी बातें समयबद्ध हमारे घोषणा पत्र में है, हम उन्हें निश्चित पूरा करेंगे। और वैसे सरकार तो बन गई, लेकिन इस मामले में न तो कोई अध्यादेश आया है और न ही कोई आदेश। ऐसे में निगाहें अब सरकार पर टिकी हैं। अखंड APN लखनऊ।